हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एंड यू वाचिंग एजुकेशन फॉर सर्वाइव। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि जीके को लर्न करने के लिए आसानी से हम लोग जीके को लर्न कर सकते हैं। और फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने एजुकेशनल वीडियो और चैनल पे एजुकेशन फॉर सर्वाइव, और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर सर्वाइव। तो चलिए चलते हैं अपने लर्निंग सेक्शन में। तो आज हम लोग क्या याद करेंगे, कुछ टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे जो कि कुछ जीके हैं उनके लर्न करने के लिए। तो पहला जीके जो है हम लोगों का, राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, जो कि राज्यसभा के जो मेंबर रह चुके हैं अब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनके नाम हम लोग कैसे याद करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका ट्रिक्स है इच गार्ड, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं क्रीम और जो इचिंग के लिए, रिमूविंग के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं उसके लिए। तो चलते हैं पहले ई के, ई देखते हैं। ई से इंदिरा गांधी हो गया हम लोगों का, फिर च से हो गया HD देवगौड़ा हो गया, फिर गा से हो गया इंद्र कुमार गुजराल, और ड्र से हो गया डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब आते हैं अपने नेक्स्ट जीके पे, जो कि भारत की स्थल सीमा पर पड़ोसी देश जो कि बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री जो कि अटैच है इंडिया से। आप देखते हैं इसको कैसे याद करते हैं। बचपन में MBA किया, यानी बचपन में मैं डॉक्टर बन गया था तो MBA कर लिया। तो इसके लिए अब देखते हैं क्या है। बी से यानी ब से बांग्लादेश जो कि 4,096 किलोमीटर है, च से चीन 3,917 किलोमीटर है। अब आते हैं पी से यानी प से पाकिस्तान 3,310 किलोमीटर, न से नेपाल 1,752 किलोमीटर। मे जो कि रहेगा हम लोग का साइलेंट रहेगा यहाँ पे, में बस हम लोग एक सेंटेंस बनाने के लिए मे को हम लोग यूज़ करते हैं करेंगे यहाँ पे। अब आते हैं एम से म्यांमार जो कि 1,458 किलोमीटर है। बी यानी भूटान जो कि 587 किलोमीटर है। अब आते हैं ए अफगानिस्तान जो कि 80 किलोमीटर। अब यहाँ पे किया हम लोग का साइलेंट रहेगा, हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हम लोग सेंटेंस बनाने के लिए, एक इजी सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इन सब शब्दों का, जो कि हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इतना ये ट्रिक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट जीके पे, उन देशों को आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं जिनकी मुद्रा यानी करेंसी रुपीज़ में है। अब आते हैं, मामा ने भाई से मांगा पाकिस्तान लेकिन नहीं दिया। यहाँ पर सिंपल ट्रिक है, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा लेकिन नहीं दिया भाई ने। अब देखते हैं माँ यानी मालदीप हो गया, फिर आता है माँ मानसीराम हो गया, फिर श्री श्रीलंका हो गया मामा श्री। अब आते हैं ने, ने से हमारा नेपाल हो जाएगा, भा से हमारा भारत हो जाएगा, ई से इंडोनेशिया हो जाएगा, से सेशल्स हो जाएगा, अब पी से पाकिस्तान हो जाएगा। अब आते हैं चौथे नंबर पे जी के, चीनी यात्री के भारत आने का क्रम, जैसे कि हम लोग यहाँ बहुत ही दिक्कत होता है कि कौन चीनी यात्री, कौन चाइना विजिटर भारत आए, किस कैसे कैसे आए। तो चलते हैं देखते हैं। तो चीनी यात्री को फांसी हुई, अरे आ गए तो फिर फांसी हो गई, एक बिना वीज़ा पासपोर्ट के आ गए अब उस टाइम, तो इस टाइम फांसी हो गई। तो अब देखते हैं फायान जो कि 319 में आए, सी संयुगन जो कि 518 ईसा पूर्व में आए, अब हूँ हेंगसोंग आए जो कि 630 ईसा पूर्व में आए, और ई इत्सिंग जो कि 7वीं सदी के अंत में आए। और फिर अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी जीके पे, जैन धर्म के अनुयायी यानी जैन धर्म के कौन कौन अनुयायी थे। तो अब आते हैं काकू, काकू पाव लगे, तो काकू बस ये सिंपल वर्ड है हम लोग काकू। तो के से हो गया कालिंगन नरेश खारवेल, अब ए से हो गया अजात शत्रु, और ए से हो गया यानी काकू तो डबल ए रहेगा तो ए रह जाएगा अमोघ वर्ष। अब आते हैं सी से चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, यू से उड़ायन हो गए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट जीके क्वेश्चन पे जो कि ट्रिक पे बेस है, ट्रिक टू रिमेम्बर टाइप्स ऑफ टैक्सेस और जो कि डायरेक्ट टैक्सेस दें। अब देखते हैं, एक थोड़ा से वेबसाइट का नाम आ गया जो कि बहुत ही टॉप वेबसाइट है, webpro.coin, अच्छी वेबसाइट है, आप लोग को चेक करना चाहिए इस पर। अब आते हैं वी से वेल्थ टैक्स,
जो कि डायरेक्ट टैक्स है, प्रो प्रॉपर्टी टैक्स, को कॉर्पोरेट टैक्स। अब आते हैं अपने नेक्स्ट, सॉरी इन, हमारा इन बच गया इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का जो टैक्स होता है वो इनकम टैक्स हो गया। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स पर, प्लीज़। तो इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, तो ये कुछ इलीगल आ गया, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी सर। तो एक्सक्यूज़ मी करने के लिए तो हम लोग का एक्स, एक्सरसाइज टैक्स, सीयू यानी सीयू मींस कस्टम टैक्स, एस ई से हो गया सर्विस टैक्स। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा कौन कौन है, यानी यूनाइटेड नेशन की कौन कौन सी भाषा है। तो इसके लिए हम लोग एकदम इजी और सिंपल ट्रिक बताऊंगा मैं। तो कैसे याद करें, शाहरुख का फेस यानी शाहरुख खान का जो फेस है बहुत सुंदर है, तो हम लोग बस शाहरुख खान का फेस याद कर लेते हैं और कुछ नहीं। तो हो गया एस से स्पेनिश, आर से हो गया रशियन, और एफ से हो गया फ्रेंच, और ए से हो गया अरबी, सी से चीनी, ई से इंग्लिश। अब ये तीनों को, सॉरी इन सभी लैंग्वेज को आप याद करिएगा। बस शाहरुख का फेस यूनाइटेड नेशन में बोला जाता है, शाहरुख का फेस यूनाइटेड नेशन में देखा जाता है, बोला जाता है। बस ये हो जाएंगी आपकी सारी लैंग्वेज जो कि यूनाइटेड नेशन में बोली जाती हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट, विधान परिषद वाले राज्य, जो कि जम्मू से आम बिकाऊ है, जम्मू में आम बिकाऊ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जम्मू में सस्ता आम मिलता है, तो सस्ता आम क्या, सेब मिलता है वहाँ पे, तो हम लोग आम ही ले लेते हैं वहाँ पे कि बहुत अच्छा बिकाऊ है, तो इसलिए बिकाऊ कर देते हैं। तो पहले हैं जम्मू, एक जम्मू कश्मीर आम, दो आंध्र प्रदेश, प्लस तीसरा महाराष्ट्र म से, और बिकाऊ जो कि बी से बिहार हो गया, और पाँचवा कर्नाटका, का से हो गया ऊ से उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश। अब आते हैं नौवें जीके पे, 2 बार नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे, और उनके नाम हम लोग कैसे याद करेंगे। मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं, यानी मैडम और जॉन, यहाँ पे हमने फ्रेंड और ली को एक अलग भाग में बांट दिया, लेकिन हम लोग इंग्लिश वर्ड में अगर लेंगे तो इन सबों के एक जैसा हो गया, मैडम और जॉन, जो कि फ्रेंडली है, फ्रैंक है, अपने में कुछ नहीं छुपाते हैं, तो ये हो गया फ्रेंडली। तो आते हैं मैडम, मैडम क्यूरी आ गई, सीधे सीधी पहले पहले, ये तो सिंपल रहा। और साइलेंट हो गया, फिर आते हैं साइलेंट हो गया मतलब इसका कोई नाम नहीं है, बस ये साइलेंट हो गया, और हम लोग सेंटेंस लगाने के लिए और लगा दिए। जॉन, जॉन जो है जॉन बार्डिन हो गया। ये इस टाइप से होता है जीके ट्रिक्स बनाने का ट्रिक। अब आते हैं फ्रेंड, फ्रेंडरिक सिंगर हो गए, और ली, लिनस पोलिंग हो गए, और है साइलेंट हो गए। तो साइलेंट हो गए मतलब इनका कोई नाम नहीं है, बस साइलेंट हो गए यूज़ करने के लिए। तो इस टाइप से हम लोग याद कर सकते हैं जो कि नोबेल प्राइज़ पाए हैं 2 बार उनके नाम। अब आते हैं 10वें जी के क्वेश्चन पे, जो कि विटामिन होते हैं उनके रासायनिक नेम यानी साइंटिफिक नेम हम लोग कैसे याद करते हैं। साइंटिफिक नेम याद करने के लिए हम लोगों को बहुत ही कठिनाई होती है, तो इस ट्रिक को आप ध्यान में रखें, और ये हमेशा आपको सहायता करेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो चलिए चलते हैं, रथ एक टाटी टाफी, रथ एक टाफी यानी रथ जो है हमारा एक बस टाफी है। तो एक रथ हो गया बैल चलाने वाला, जो कि जो कुछ भी चलाए, और एक टाफी हो गया। तो चलिए, विटामिन ए जो रेटिनॉल विटामिन कहा जाता है उसे, विटामिन बी जो कि थायमिन, थायमिन विटामिन कहा जाता है, विटामिन सी जो कि ए एक्स एक्स का ब्रिक्स अन विटामिन कहा जाता है, और विटामिन डी जो कैल्सीफेरॉल विटामिन कहा जाता है, और विटामिन ई टा टोक्रोफेरॉल विटामिन कहा जाता है, के फी यानी फिलिकोनोन जो कि विटामिन कहा जाता है इसे। ऐसे ऐसे ट्रिक हैं, आप इस सभी जीके को आप ट्रिक में देख के याद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब तो मत करना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप भूल गए आप क्या बोलने वाला हूँ मैं, सब्सक्राइब मत करना, वीडियो मत करना, सॉरी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो, और इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशनल वीडियो है, ना कि एंटरटेनमेंट वीडियो है। क्योंकि इन अगर हम लोग
इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हम लोगों का ज्ञान बढ़ेगा और लोगों का भी ज्ञान बढ़ेगा और लोग शिक्षित बनेंगे, तो इससे हमारा पूरा एंटायर कंट्री शिक्षित बनेगा, एजुकेशन लिटरेसी रेट कम होगी। तो चलिए हम लोग आज से शेयर करना स्टार्ट करते हैं एजुकेशनल वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो चलिए चलते हैं, बाय बाय।